वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी जर्नी है, आज हम लोग देखेंगे पेंटोग्राफ। और पेंटोग्राफ अमूमन हम लोग उसको बोलते हैं कि जो किसी भी इंजन में जो ओईजी से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग पेंटोग्राफ कहते हैं। तो आज हम लोग की जर्नी पेंटोग्राफ को देखने में जाएगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं सेब में थक जाता हूँ या फिर थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, मैं अपना वो जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं आके रेस्ट करता हूँ। ये रहा सामने सेड, और वहाँ से फिर धीरे धीरे आकर मैं यहाँ पर ये पागल का पेड़ इसी में बैठता हूँ। यहाँ बैठने का पेड़ के नीचे बहुत मस्त हवा लगता है, आराम से सुकून जैसा। और इसके जस्ट सामने ये ट्रेनों का गलियारा चलते रहेगा, आते रहेगा, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ही हम लोग का जो आसनसोल स्टेशन है ना, वो बिल्कुल सामने आपको दिख भी रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये प्लेटफॉर्म है, ये आसनसोल रेलवे स्टेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे ये पब्लिक ट्रेन जा रही है, ये हावड़ा न्यू दिल्ली है। हम लोग का जो टाइमिंग है वो ड्यूटी करने और यहाँ पर रेस्ट करने आने में, फिर ट्रेन को देखते देखते कट जाता है। और वैसे तो आज हम लोग जाएंगे ही पेंटोग्राफ देखने के लिए। आज की जो जर्नी है कि वो पेंटोग्राफ से रिलेटेड ही है कि पेंटोग्राफ पर कैसे टच होगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारा चीज़। तो ये इस पर ही मैं बैठता हूँ, और सामने ही पीने के लिए ठंडा पानी, ठीक है, ये सब चीज़ है। ये बॉक्स है वैसे, इस बॉक्स में मतलब जो ग्रुप डी के स्टाफ जो ट्रैक मेंटेनर वगैरह हैं वो अपना फावड़ा वगैरह रखते हैं। तो कभी आते हैं तो खोलते हैं, तो हट के अपना भाई दूसरे जगह अपना दुकान लगा लेता हूँ, यहाँ पर फिर वो लोग अपना काम करते हैं, ठीक है, चलते हैं फिर। ये पेंटोग्राफ का कॉन्टेक्टिंग शू है जो ओएचई लाइन से सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आता है, मतलब ओएचई लाइन को ये टच करता है, इंजन का सबसे ऊपर, पेंटोग्राफ का सबसे ऊपरी पार्ट है। ये पेंटोग्राफ का सबसे ऊपरी परत जो ओएचई लाइन से कनेक्ट होता है, इसको हम लोग कॉन्टेक्टिंग शू बोलते हैं। कॉन्टेक्टिंग शू जो होता है वो एडजस्टेबल होता है, ओएचई लाइन जैसे जैसे उसका डायरेक्शन चेंज होता है वैसे ही कॉन्टेक्टिंग शू भी क्या करता है, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है। ये ऑटोमेटिक ही होता है, ये एडजस्टेबल भी होता है। ये अभी देखिए इसको हिला रहा है, ये हिल रहा है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, यहाँ पर सिर्फ अभी सिर्फ पेंटोग्राफ है, इसका सर्किट ब्रेकर अलग होता है, उसमें भी कॉइल वगैरह रहता है। तो इसका टाइम टू टाइम पे इसका मेंटेनेंस किया जाता है, क्योंकि वो चीज़ है। अब इसका अगर तो ये सब है, इसके पता है आपको ये पूरा ऐसे खोल, इसको ऐसे खोल के अंदर भी वायर रहता है, ये पूरा मतलब द्वारा बैलेंस होगा सर। इसमें टूल आपने देखिए, इसके अंदर का मैकेनिज्म ये सब आपको देखने में इजी लगता है, लेकिन बहुत टेक्निकल इश्यूज है, बहुत छोटे छोटे चीज़ इसमें हो